भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय भवानी, जय भवानी। करवीर निवासिनी आई महालक्ष्मी ज्या, आई अंबाबाई ज्या चरणी त्रिवार वंदन करतो। तमाम कोल्हापूर करना माझा नमस्कार। ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज और छत्रपति साहूजी महाराज के आदर्शों की धरती है। मैं इन सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं मैं काशी का सांसद हूं और आज करवीर काशी आया हूं। ये मेरा सौभाग्य है। साथियों, हमारे कोल्हापुर महाराष्ट्र का फुटबॉल हब कहा जाता है। फुटबॉल यहां के युवाओं में बहुत पॉपुलर है और आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और एनडीए अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं और इसलिए ये पक्का हो गया है फिर एक बार। अच्छा, जरा एक और नारा बुलवाना चाहता हूं आज कोल्हापुर की धरती पर। आप बोलेंगे, अभी मैं बोल रहा था फिर एक बार, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे फिर एक बार, ठीक है। गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार, एससी एसटी ओबीसी की सरकार, विकास को समर्पित सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार, शाबाश। भाई और बहनों, अब तीसरे चरण में बॉल कैरियर की जिम्मेदारी कोल्हापुर वासियों के पास आने वाली है। मुझे विश्वास है आप ऐसा गोल दागेंगे, ऐसा गोल दागेंगे कि आगे के सारे राउंड भी
इंडिया अलायंस वाले चारों खाने चित रहेंगे। क्योंकि ये पूरा देश जानता है जगत भारी कोल्हापुरी, जगत भारी। साथियों, चुनाव के पहले ही मैंने कहा था ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों को ये एहसास हुआ कि वो विकास के ट्रैक रिकॉर्ड में एनडीए की बराबरी नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। इसलिए इंडिया अलायंस वालों ने खुलकर देश विरोधी एजेंडा और तुष्टीकरण के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस का एजेंडा है कि वो सरकार में आने के बाद कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस ले आएंगे। क्या आप ऐसा करने देंगे? अब किसी में हिम्मत है कि मोदी के इस कदम को पीछे हटा सके? ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग सीएए कानून रद्द कर देंगे। क्या ये देश उनको करने देगा? और अगर करने जाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी, उनको पता है क्या? अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों के तीन अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हो, क्या ये इंडिया अलायंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या? और उनका तो हाल ये है जी, वो ऐसी फॉर्मूला बना रहे हैं, एक साल एक पीएम, ये फॉर्मूला निकालने में लगे हैं। अगर पांच साल मौका मिले तो पांच प्रधानमंत्री। अब इनको इसकी आदत हो गई। कर्नाटका में भी अभी सरकार बनी, उनकी पार्टी, उनका विजय, फॉर्मूला क्या? ढाई साल एक मुख्यमंत्री, ढाई साल के बाद जो डिप्टी सीएम है वो मुख्यमंत्री। ये खेल खेल रहे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला बनाई थी, ढाई साल एक मुख्यमंत्री, दूसरे ढाई साल दूसरा मुख्यमंत्री। उन्होंने राजस्थान में फॉर्मूला बनाई थी, एक ढाई साल एक मुख्यमंत्री, दूसरे ढाई साल। और हुआ क्या? ये फॉर्मूला निकालने वाले लोग पांच साल में पांच प्रधानमंत्री देश पर थोपने के सपने देखने वालों को ये देश कभी भी सहन करने वाला नहीं है। और इसलिए ये लोग देश पर गुस्सा उतार रहे हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु में कांग्रेस और एनडीए अलायंस के लोग क्या भाषण कर रहे हैं? दक्षिण भारत को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अहद पेशावर, अहद पेशावर तहत तंजावर, हिंद भी स्वराज,
ये घोषणा जिस धरती पर हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, क्या कभी भी कांग्रेस के ऐसे एजेंडे को स्वीकार करेगी क्या? इन्हें जवाब मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तगड़ा जवाब मिलेगा। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा हुआ। 10 दशकों तक राम मंदिर को बनने से रोकने वाली कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार किया। और ये कांग्रेस कितनी अधःपतन में गई है, ये राम मंदिर की जो ट्रस्टी है ना, ये अच्छे लोग हैं, तो कांग्रेस के सारे पाप माफ कर दिए और घर जाकर के निमंत्रण दिया कि नहीं भाई चलो जो हो गया आओ। उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। क्या कोई कभी प्रभु राम के दरबार में जाने का निमंत्रण ठुकरा सकता है क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? अरे कांग्रेस वाले जरा आईने में चेहरा देखो, वो अयोध्या के अंसारी, अयोध्या का वो अंसारी परिवार जो जिंदगी भर राम मंदिर के विरुद्ध अदालत में केस लड़ता रहा, उसके पिताजी भी लड़ते रहे, वो भी गुजर गए, वो भी लड़ता रहा, लेकिन जब न्यायालय ने कहा कि भई ये राम मंदिर है, तो वो अंसारी खुद प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के वहां मौजूद रहे। जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर राम के शरण आए और ये राम का निमंत्रण ठुकरा दिया। जो राम को ठुकराएगा उसको आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? जो डीएमके पार्टी, वो उनकी खासम खास, वो कह रही है सनातन को गालियां देने पर अब उतारू है, कहती है ये सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है। और जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं, उन्हें इंडिया गाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के ऊपर कितनी बीती होगी, बाला साहब ठाकरे के मन पर कितनी चोट पहुंची होगी। ऐसे लोग हैं ये? इतना ही नहीं, इंडी अगाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं। नकली शिवसेना इन सब एजेंडों में इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज बाला साहब ठाकरे होते तो इनकी ये हरकतें बहुत दुखी करती, और आज भी उनकी आत्मा जहां भी होगी सबसे ज्यादा दुखी उनके इन कारनामों से होती होगी। साथियों, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वालों की नजर अब लोगों की कमाई और दलित पिछड़ों के आरक्षण पर पहुंच गई है। कांग्रेस के शहजादे, उन्होंने घोषणा की है कि वो आपकी संपत्ति की, महिलाओं के गहने,
और सोने चांदी की जांच करवाएंगे। आपकी कमाई को कांग्रेस उन लोगों में बांटेगी जिनका ये देश पर पहला हक है, ऐसा बताते हैं। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। साथियों, कांग्रेस ने एक और ऐसी घोषणा की है जो महाराष्ट्र के हर मतदाता को जानना जरूरी है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि आप जीवन भर जो कमाएंगे, अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी जोड़ते रहेंगे, वो पूरा का पूरा आपके संतानों को नहीं मिलेगा। आज आपके पास गाड़ी है तो आप अपने बेटे को दे सकते हैं, घर है दे सकते हैं, खेत है दे सकते हैं। ये कांग्रेस के शाहजादे फॉर्मूला लाए हैं। आपके न रहने के बाद आपकी पैतृक कमाई में से आधा हिस्सा कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लगाकर वसूल करना चाहती है। क्या आप अपनी मेहनत करके जो कमाई की है, पाई पाई बचाई है बच्चों के लिए, क्या उसे आप लूटने देंगे क्या? ये कांग्रेस की सरकार जो सपने देखती है उसको पूरा होने देंगे क्या? साथियों, महाराष्ट्र बाबा साहब आंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले की धरती है। महाराष्ट्र की यह धरती सामाजिक न्याय का प्रतीक है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गाड़ी ने सामाजिक न्याय की हत्या करने की भी ठान ली है। हमेशा बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस अब दलितों पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालने की तैयारी में है। कांग्रेस महाराष्ट्र समेत पूरे देश में आरक्षण का अपना कर्नाटका मॉडल लागू करना चाहती है। और यह कर्नाटका मॉडल क्या है, इस देश के दलितों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने, एससी एसटी ओबीसी सबने समझने जैसा है जी। बड़ा भयंकर है मॉडल। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटे में जो 27% आरक्षण है वो मुसलमानों को देने के लिए उन्होंने क्या किया, रातों रात एक कागज पे थप्पा मार करके सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया रातों रात। और इसके कारण वो ओबीसी का जो कोटा था उसके हकदार बन गए, और जो ओबीसी को मिलता था वो पूरा का पूरा उन्होंने लूट लिया। भाइयों, अब ये फॉर्मूला ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, आप करने देंगे क्या? करने देंगे क्या? 2012 में इंडी गठबंधन की सरकार ने ये कोशिश की थी, तब ये सफल नहीं हो पाए थे। इसलिए अब कांग्रेस संविधान बदलकर दलित पिछड़ों का आरक्षण धर्म के नाम पर बांटना चाहती है। ओबीसी के आरक्षण पर ये डाका क्या कभी कोई बर्दाश्त कर सकता है क्या? आप बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? आप स्वीकार कर सकते हैं क्या? जिन लोगों ने कर्नाटका में पिछड़ों का आरक्षण छीना है, उन्हें देश में एक इंच भी सफलता नहीं मिलनी चाहिए, अवसर नहीं मिलना चाहिए। साथियों, कांग्रेस और इंडिया गाड़ी का एक ही एजेंडा है, सरकार बनाओ, नोट कमाओ। लेकिन हमने इन 10 वर्षों में समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए काम किया।
एनडीए ने युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर काम किया। एनडीए ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया ताकि देश में उद्योग बढ़े। एनडीए ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया ताकि युवाओं को ज्यादा अवसर मिले। आज स्टार्टअप्स के मामले में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। आज दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाने वाला भारत है। यानी जिस युवा को कांग्रेस ने नौकरी और रोजगार के लिए तरसा दिया था, भारत का वो युवा अब दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा दे रहा है। अगले कार्यकाल में भाजपा एनडीए युवाओं को और ज्यादा अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए भाजपा ने घोषणा की है कि मुद्रा योजना के तहत अब 10 लाख के बजाय 20 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, बिना गारंटी दिया जाएगा। अगले 5 साल में हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश करेगी। इससे भी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, विकास में महिलाओं की भागीदारी विकसित हो और विकसित भारत की एक गारंटी है। इसलिए महिलाओं के लिए अवसर, उनकी सुरक्षा, ये मोदी की गारंटी है। पहले जिन सेक्टर्स में महिलाओं के काम करने की पाबंदी थी, मोदी ने उस पाबंदी को खत्म कर दिया। हमारी सरकार ने रोजगार मेलों के जरिए सरकारी नौकरी में लाखों भर्तियां की है। इससे सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महाराष्ट्र में यहां कोल्हापुर में सहकारी समितियों में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी सरकार ने पहली बार अलग सहकारी मंत्रालय बनाया। हमने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इसी का नतीजा है कि पिछले 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। यहां महाराष्ट्र में भी पिछले 10 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। अब हमारी सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेके काम कर रही है। साथियों, आज यही नारी शक्ति जब मोदी का सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है तो कांग्रेस वालों की जरा तकलीफ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और आप भूलिएगा नहीं, वीरांगना ताराबाई के देश में कांग्रेस के युवराज शक्ति का विनाश करने की बातें करते हैं। साथियों, कोल्हापुर विकास और विरासत की संभावनाओं से भरा क्षेत्र है, लेकिन एनडीए अगाड़ी की सरकारों ने इस क्षेत्र की इतनी उपेक्षा की। आज केंद्र की एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस और भाई अजीत पवार की सरकार कोल्हापुर के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुंबई बेंगलुरु हाईवे के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के जरिए महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रहा है। हमने कोल्हापुर और क्षेत्र के नई ट्रेनें दी है और भविष्य में यहां वंदे भारत ट्रेनें भी चलेगी। हमने कोल्हापुर वैभववाड़ी रेलवे लाइन को मंजूरी दी है, जिससे कोंकण क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। कोल्हापुर एयरपोर्ट के लोकार्पण का सौभाग्य भी मुझे ही मिला है। भाई और बहनों, इस क्षेत्र में अंबाबाई शक्तिपीठ का आशीर्वाद प्राप्त है। आने वाले समय में अच्छी सड़कों और सुविधाओं के कारण लाखों भक्त अंबाबाई के दर्शन करने आएंगे। यहां उद्योग, व्यापार और पर्यटन से जुड़े अवसर पैदा होंगे। आप मुझे बताइए, मोटा कमीशन न मिलने तक फाइलों को दबाकर बैठने वाले लोग, याकूब मेनन की कब्र को सवारने वाले लोग, उनसे आप कोल्हापुर का, महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की उम्मीद कर सकते हैं क्या? ये लोग महाराष्ट्र को आगे लेकर जा सकते हैं क्या? साथियों, 7 मई को
महाराष्ट्र और देश का भविष्य तय करने के लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोल्हापुर से एनडीए के उम्मीदवार भाई संजय मांडलिक जी और हाथकणंगले से धैर्यशील माने जी, इनके पक्ष में भारी संख्या में मतदान करके मोदी के हाथ मजबूत कीजिए। आप इनको जो वोट देने वाले हैं ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी को जाने वाला है। लेकिन गर्मी बहुत है, कहीं कहीं शादियां भी है, फिर भी मतदान ज्यादा होगा ना? आप घर घर जाएंगे, मतदाताओं को जगाएंगे, आप पोलिंग बूथ जीतेंगे, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, पक्का? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, ये मेरा पर्सनल काम है, करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? करेंगे? मेरा एक काम करना, मेरा एक काम करना, यहां से जाने के बाद आसपास पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में जिन जिन लोगों को मिलना हो जाए, नहीं होता है तो जाकर के मिलिए, मेरी तरफ से मिलिए, और हर एक को कहना कि अपने मोदी जी कोल्हापुर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। घर घर मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे आप। जब हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे ना, तो हर घर के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, और हर परिवार से जब मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी ऊर्जा अनेक गुना बढ़ जाएगी, और वो ऊर्जा आपके लिए काम आएगी, क्योंकि आपका सपना यही मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके नाम है, मेरा पल पल देश के नाम है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं प्रण लेकर के चला हूं 24/7 फॉर 2047, ये प्रण लेकर के निकला हूं, आपके लिए निकला हूं, और इसलिए मुझे पल पल आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।